तो भाई साउथ कोरिया का वीपीएन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, कैसे इवेंट्स आना है सारा का सारा आप इस वीडियो में देख लो अच्छे से, उसके बाद जो आप सारा का सारा इवेंट्स वापस ला सकते हो, ठीक है। और गाइस कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना। हे गेमर्स, तो एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो गाइस बहुत जनों को डाउट था कि पबजी कोरिया में इवेंट्स वापस कैसे लाए, पुराने आईडी में मेरे को वापस इवेंट्स कैसे मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे डोंट कार्ड्स मेडल मिलते थे, बहुत सारे नए नए फीचर्स मिलते थे, मतलब फीचर क्या बताऊं मैं, यहाँ बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते थे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते कितना सारा रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है, मेरा सारा का सारा इवेंट्स यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। देख सकते हो गाइस यहाँ पे ये ड्रेस मिल रहा है आपको परमानेंट वाला, ठीक है। तो मतलब क्या क्या, मतलब एक एक इवेंट ऐसा लाता है ना गाइस कि आप दिल खुश कर देगा आपको। ये वाला क्रेट देखो, यहाँ पे क्रेट में क्या क्या नहीं है, इसमें क्या क्या अच्छे अच्छे माल है इसमें, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ओपीओपी और अमेजिंग अमेजिंग इवेंट्स लाते रहते हैं इस पबजी कोरिया के अंदर, लेकिन ये पबजी कोरिया इवेंट सबको मिलने बंद हो चुका है, ठीक है, सबको मिलना बंद हो चुका है। और ये सिर्फ उन्हीं को दे रहा है जो पबजी कोरिया के मतलब रेसिडेंसी, मतलब कोरिया में रहता है या फिर जापान में, ठीक है। तो मुझे कैसे मिल रहा है, मैं तो इंडिया में रहता हूँ, मुझे कैसे मिल जा रहा है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले बता दूँ कि ये जो मेरा अकाउंट है ना, एकदम न्यू अकाउंट है, ठीक है, 19 लेवल का अकाउंट है, ठीक है। और 19 लेवल का मैंने 2 हफ्ते पहले स्टार्ट किया था, 2 हफ्ते पहले स्टार्ट करते हुए मेरा 30 डोंट कार्ड्स मेडल जम चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट देखो गाइस कितना सारा क्रेडिट जमा लिया मैंने, साथ ही साथ यहाँ पे एक तो पहले इवेंट चल रहा था, ठीक है, एक हफ्ता पहले, वो इवेंट अभी खत्म हो चुका है, जिसमें आपको भर भर के डोंट कार्ड्स मेडल मिलते थे भर भर के, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इस डब्बे के अंदर कितने डोंट कार्ड्स हुए, 50, 20, 10, ठीक है। अभी मैं एक बात बताऊँ, अगर आपका पुराना अकाउंट में कोई भी इवेंट आना बंद हो चुका है, ठीक है, लेकिन आपके पास बड़ी बड़ी स्किन्स है, 2-3 स्किन्स है, उससे भी ज़्यादा स्किन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अगर आप 1 महीना खेल लोगे यहाँ पे, तो ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 हफ्ता खेला, और 2 हफ्ता खेलने के बाद देखो मैं कितना सारा मैं जम चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके सामने इसको खोल रहा हूँ, देखो मुझे कितना सारा डोंट कार्ड्स मिलता है, बूम, ठीक है। तो 4, 5, 6 डोंट कार्ड्स तो यही मिल गए, ठीक है, और बाकी भाई स्क्रैप्स मिल गए, स्क्रैप्स को भी आप जोड़ लोगे तो आपका बहुत सारा क्रेडिट्स बन जाएगा, ठीक है। तो गाइस इसलिए बात कर रहा हूँ मैं, गाइस एक से यहाँ पे आइटम मिलते रहता है, तो उसको मतलब क्या ही बताऊँ मैं, छोड़ो मत गाइस, एक नया अकाउंट बनाओ, नया अकाउंट बनाने के बाद जो है यहाँ पे साउथ कोरिया से कनेक्ट करो, साउथ कोरिया से जैसे कनेक्ट कर लोगे ना, एकदम फ्रेश आईडी होना चाहिए, फ्रेश आईडी में आपको है सारा का सारा यहाँ पे इवेंट शो करने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैलेंटाइन डे को लेकर अलग से एक नया इवेंट आया गया था, ठीक है, इस वैलेंटाइन डे में आपको जो फ्री में एक फेरी सेट मिल रहा है, ठीक है, ये सब जल्दी मिलता नहीं है इस कोरिया के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे। साथ ही साथ इसी चैनल में आपको कोरिया का क्रेट ओपनिंग भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं हर बार क्रेट ओपनिंग लाते रहता हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो, घंटा दबा दो, और इससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने जो कस्टमर केयर ना उससे बात किया था कि ये पुराना इवेंट्स मतलब जितना भी इवेंट्स था ना वो सारे के सारे मुझे पुराने आईडी में क्यों नहीं मिल सकते, ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा कि गाइस हम लोग से बहुत पहले एक तो प्रोग्राम चालू किया था, उस प्रोग्राम के अंदर ऐसा बताया गया था कि जापान के लोग और कोरियन लोग दोनों के लोग को अब हम लोग को सारा का सारा जो डेटा है ना, मतलब कौन सा रीजन में आप रहते हो वो रीजन हम लोग को देना था, ठीक है। अगर वो बाहर के रीजन में रहते थे तो हम लोग उसको क्या करते, कोरियन रीजन में एक्सचेंज कर देते, या फिर जापान के रीजन में एक्सचेंज कर देते, ठीक है। तो ये हम लोग एक प्रोग्राम चलाया था हम लोग ने, लेकिन कुछ दिन बाद इसको 1 महीना बाद या 2 महीना बाद इस प्रोग्राम को हमने बंद कर दिया, रन करना बंद कर दिया, जिसका अकाउंट शिफ्ट हुआ, जिसका नहीं हुआ वो और इवेंट्स नहीं मिले उसको, ठीक है। तो गाइस यही चीज़ मैंने बताया कि वो पुराना अकाउंट मतलब पुराना इवेंट्स आपको वापस नहीं मिल सकते अपना पुराना आईडी में, ठीक है। इसके लिए आपको नया आईडी बनाना ही पड़ेगा, वो भी कोरियन वीपीएन ऑन करके, ताकि अगर जो कोरियन वालों को लगे कि ये कोरिया से ऑन कर रहा है, कोरिया से अपना नया अकाउंट बना रहा है, इसीलिए सारा का सारा इवेंट्स में हम लोग को दे देंगे इसको, ठीक है। यही वाला चीज़ मेन था कि आप कोरिया से खोलो या जापान से खोलो, कोरियन अगर आप कोरियन का अकाउंट लगाओगे मतलब कोरियन वीपीएन तो आपको कोरियन इवेंट दिखेंगे, अगर जापान का इवेंट लगाओगे ना वीपीएन तो वो जापान का इवेंट दिखेंगे, ठीक है। तो दोनों अलग अलग रीजन का अलग अलग इवेंट्स है गाइस, इसीलिए गाइस वो बाहर के लोगों को देना बंद कर दिए हैं, वो कोरियन एक्सक्लूसिव है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे फ्री माल मिलता है, जो रॉयल पास नहीं लिया ना उसके लिए ये कोरियन आईडी हेवन है, क्योंकि इसमें इतना सारा आइटम्स मिलेगा ना आपको, मतलब क्या ही बताऊँ, इसमें एक तो मिलने का चांस सबसे हाई रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक से क्रेडिट्स मिलते रहते हैं यहाँ पे, तो मिलने के साथ सबसे हाई है, यहाँ पे आपको फ्री मिलते ही रहेगा। देखो यहाँ पे 4 मिल रहा है, 2 डोंट कार्ड्स के साथ यहाँ पे बहुत सारा स्क्रैप्स मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक तो फ्री में आपको फ्रेम मिल जाएगा, पीटा पैट फ्रेम, तो क्या ही बताऊंगा इस, बहुत सारे चीज फ्री मिलते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको शो नहीं कर रहा होगा इसलिए आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो इस कितना सारा इवेंट चल रहा है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एक तो नया आईडी बनाओ, नया आईडी बनाने के बाद साउथ कोरिया वीपीएन से कनेक्ट कर लो, कनेक्ट करके फ्रेश आईडी बना लो, हो जाएगा आपको इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। दो एक से दो हफ्ते लगेंगे, बहुत सारे डोंट कार्ड्स जमा लोगे, एक साथ क्रेडिट ओपनिंग करना, और एक ना एक आपको मिथिकल मिलना ही मिलना है, लेजेंडरी मिलना ही मिलना है। इसके पहले भी मैंने खोला था, ठीक है, मुझे एक मिथिकल मिल गया फ्री में, फोकट में मिल गया, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ गाइस एक नया आईडी बनाओ और साउथ कोरिया का वीपीएन से कनेक्ट कर लो, और एकदम फ्रेश आईडी होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आपको सारा सारा इवेंट्स यहाँ पे शो करने लग जाएगा, और बहुत सारे डोंट कार्ड्स आप 1 महीना के अंदर कमा लोगे, ठीक है। और जितना मिथिकल उसमें पुराना आईडी में नहीं था ना, उतना भी इसमें कमा लोगे, इसमें इतना सारा इवेंट्स देता रहता है, ठीक है। और अभी तो बहुत सारे अभी इवेंट्स आने वाले, थर्ड एनिवर्सरी आने वाला, थर्ड एनिवर्सरी में सोचो कितना बड़े बड़े इवेंट्स देने वाला इसमें साउथ कोरिया के अंदर, ठीक है, मतलब कोरिया पबजी केआर के अंदर, ठीक है।
तो यही था पूरा का पूरा वीडियो। मैंने सोल्यूशन बता दिया क्या करना पड़ेगा, नया अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा, पुराना आई डी में आपको देना नहीं वाला पब्जी कोरिया, ठीक है। अगर बैठे रहोगे कि अब आएगा पुराना आई डी में मेरा इवेंट शो करेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करने वाला, ठीक है। अगर आप पुराने आई डी में वीपीएन लगाओगे ना कि यार मतलब साउथ कोरिया का, तो कैसे आप बहुत ज़्यादा बैन कर दे, क्योंकि वीपीएन यहाँ पे अलाउड नहीं है पब्जी कोरिया में। जैसे आप रीजन चेंज कर सकते थे ग्लोबल में, यहाँ पे आप मत करना क्योंकि आपको बैन कर देगा, पुरानी आई डी चल जाएगी, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो जैसे मैंने बता दिया आपको सारा सारा सॉल्यूशन फिक्स कर दिया, कोई प्रॉब्लम हो तो कहीं डाउट में कमेंट करना, ठीक है, कोई भी डाउट हुआ तो, और लाइक करके चल जाना पसंद आए वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे। उड़ जाने दे हमें नहीं है बसना, दारू ज्यादा थोड़ा तू भी ले आयो ना चखना, देख अब कैसे बना रहा हूँ गाने, बकचोदी पेल रहे हूँ गाने के बहाने, घर पे खाली बैठा हूँ अब मैं भी करूँ क्या बे, तो कुछ और करना, क्रिंज मत फैला बे, सॉरी यार सॉरी, देख ऐसी बात नहीं है, वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत